नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिपेश गौर में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने को आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है, सब कुछ फ्री। आज हम बात करने वाले हैं जिला शहडोल में। शहडोल में निकले सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में भर्ती, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। कितने पद है, क्या सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ जानकारी ए टू जेड जानकारी आज आपको देने वाले हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन विभाग जिला सतना के बारे में। वो लास्ट डेट क्या है, आवेदन किस प्रकार से करना, वो भी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग जिला शहडोल रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट की, तो इसकी लास्ट डेट है 15/9/2023 को शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आज 14 तारीख है, मैं वीडियो बनाने में आज 13 तारीख है, 2 दिन आपके पास अभी भी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। थोड़ी मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बना पाया। तो यहाँ पर 15/9/2023 आपको शाम 5 बजे तक सीलबंद लिफाफे में या आप खुद से जाकर दे सकते हैं। साक्षात्कार का आयोजन 25 तारीख को किया जाएगा। रिक्त पद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के, जिसमें आपको 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। एक पद है वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट की है, जिसमें आपको 20,500 रुपये में दिए जाएंगे। एक पद आपको देखने को मिल जाएगा सीनियर आर्थोटिस्ट के, आपको एक पद देखने मिल जाएगा जिसमें आपको 20,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सीनियर स्पीच थेरापिस्ट का है, जिसमें आपको एक पद देखने को मिल जाएगा 20,500 रुपये, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोथोटिस्ट के है, जिसमें आपको एक पद देखने को मिल जाएगा 16,500 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच थेरापिस्ट एआरएम मोल्ड टेक्नीशियन में 16,000 रुपये प्रतिमाह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोबिलिटी स्ट्रक्चर की है, जिसमें आपको एक पद देखने को मिल जाएगा 14,500 रुपये पेमेंट यहाँ पर आपको देखने की आएगी। मल्टीपर्पज में आपको देखने को मिल जाएगा 14,500 रुपये, इसमें भी आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टॉक कीपर, 14,500 रुपये दी जाएगी और आपको एक पद देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट कम प्यून कम मैसेंजर एक पद देखने को मिल जाएगा 9,500 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। वेकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट का एक पद देखने को मिल जाएगा 14,500 रुपये, इसमें भी देखने को मिल जाएगी सैलरी। ट्रांस डिसिप्लिनर स्पेशल एडुकेटर MR में आपको एक पद देखने को मिल जाएगा 16,000 रुपये प्रतिमा, इसमें वेतन दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के इसमें 18,500 रुपये, चौकीदार के इसमें 8,000 रुपये आपको देखने को मिल जाएंगे। 1/1/2023 के अनुसार, मतलब 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18 वर्ष की आयु आपने पूर्ण कर लेनी चाहिए। पूर्णतः एक माह के लिए आपको इसमें रखा जाएगा। यदि आपका काम उनमें संतोषप्रद लगता है तो आपको पूर्ण सेवा में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, आवेदक को आवेदक के साथ अपना पूर्ण पता लिखा हुआ रजिस्टर्ड डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना होगा ताकि साक्षात्कार हेतु सूचना प्रेषित की जा सके। साक्षात्कार में उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता आपको दे नहीं दिया जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र की, और आवेदन पत्र को आपको भेजना कहाँ है वो बात कर लेते हैं। आवेदन आपको पत्र जिला कार्यालय सामाजिक एवं न्याय दिव्यांग सशक्तिकरण जिला शहडोल में भेजना है 15/9/2023 से पहले पहले, या तो आप खुद जाके दे दीजिएगा। ठीक है, टाइम नहीं है तो आप खुद से जाकर दे दीजिए, देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र का प्रारूप आप देखने को मिल जाएगा, या आवेदन पत्र का प्रारूप है यहाँ पर, आप इसे भरकर वो जल्दी से जाकर आप जमा करवा दीजिए। ठीक है, कोई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। कोई तो हम उसमें जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।